नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है तो विपक्ष अपनी तैयारियां कर रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान क्या मुद्दे हैं और क्या समीकरण बनना है, इसकी समीक्षा करने के लिए डीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। परिचर्चा में कई वरिष्ठ पत्रकारों ने हिस्सा लिया और अपने अपने विश्लेषण प्रस्तुत किए। परिचर्चा का संचालन डीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने किया। तो आइए देखते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। सभा सुप्रीम कोर्ट को राजीव जी कवर किया है और तमाम चीफ जस्टिस के कोर्ट में मैं मौजूद रहा हूं और मैंने ऐसे ऐसे वकीलों को वहां पे बहस करते देखा है जो चीफ जस्टिस उम्र में बड़े थे, तजुर्बे में बड़े थे। शांति भूषण, राम जेठमलानी, पराशरन, सिद्धार्थ शंकर रे, ये वो लोग ऐसे वकील जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से उम्र में और लीगल प्रैक्टिस में ज़्यादा तजुर्बा था उनके पास। लेकिन जब चीफ जस्टिस बोलता है तो सब शांत होते हैं। ये कोर्ट का डेकोरम है। बड़े से बड़ा वकील आप देखिए, अभी जब कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी हैं, ये मौजूदा चीफ जस्टिस के हम उम्र हैं। और आप देखिए कि जब वो बोलते हैं तो बाकी कोर्ट शांत हो जाती है। आज ये हमलावर क्यों थे? कहीं से इनकी ब्रीफिंग थी और इसको चीफ जस्टिस समझ गए थे कि अग्रवाला, एसोचैम, तुषार मेहता, चारों तरफ से एक ही बात कि स्टेट बैंक वो बॉन्ड का कोड नंबर ना रिलीज करे। तो और वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑलरेडी फैसला कर चुकी है, ये उस फैसले को मॉडिफाई करने की चेष्टा कर रहे थे। इसलिए सुप्रीम चीफ जस्टिस समझ गए थे, बेंच समझ गई थी कि ये क्या चाहते हैं, ये हो क्या रहा है और पीछे किन शक्तियों के कहने पर हो रहा है। तो जिन शक्तियों को लेकर बड़ा विवाद है, आज चीफ जस्टिस उन शक्तियों को पहचान गए थे और इसीलिए वो नाराज हुए। और नाराज होकर उन्होंने न केवल बेंच ने कंटेम्प्ट की धमकी दी, अग्रवाला को बहुत एम्बैरस किया कि अब आप ज़्यादा बोलेंगे तो कुछ मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बहुत आपको बुरा लगेगा। लेकिन उन्होंने अपने ऑर्डर में बिल्कुल उसको सील कर दिया राजीव जी, आज कि स्टेट बैंक के मामले को एकदम सील कर दिया कि अब उसमें कोई एम्बिग्यूटी, कोई कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। स्टेट बैंक को सब कुछ देना होगा। उनके वकील जो अपियर हुए उनसे भी कहलवा दिया, उनको भी रिकॉर्ड में ले लिया और ये भी कह दिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन और एमडी हलफनामा दे दें बृहस्पतिवार तक कि उन्होंने ये सब कुछ दे दिया है। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं तो अब ये क्यों हो रही थी? आप देखिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन एमडी को एक्सटेंशन दिया गया था। क्यों दिया गया था? इसीलिए दिया गया था कि इस दिन ये काम आएंगे। किसी को, मतलब कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या उनके दूसरे सहयोगियों को ये शायद अंदाज नहीं था कि ये मामला यहां तक पहुंच जाएगा, वो भी चुनाव के सर पे। और बिल्कुल चुनाव के एंड समय पहले ये मामला खुल गया। और अब आप देखिए कि बगैर सीरीज नंबर के जब इतनी बातें आ गई, किस कंपनी ने चंदा दिया, कब उसके को ठेका मिला, जब नंबर आएंगे तो सबको सामने आ जाएगा। अभी नीतीश कुमार जी ने ये कहा है जेडीयू ने कि उनके दफ्तर में कोई आया 3 अप्रैल 2019 को और 10 करोड़ के बॉन्ड दे गया, उनको नहीं मालूम है कि वो किसने दिए और उन्होंने इनकैश भी करा लिया। राजीव जी मैं तो कह रहा हूँ नंबर आ जाने दीजिए स्टेट बैंक के, नीतीश जी को हम ही लोग बता देंगे कि वो किसने दिए थे, पीछे कौन था उसके। इस बात से डर है, सब कुछ खुल जाएगा। और ये इतना बड़ा घोटाला जिसमें सीधी तौर पे नरेंद्र मोदी जो है वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि परेशान तो होंगे ही। अब दूसरे की इंडिया गठबंधन की जो कल बैठक हुई, देखिए बहुत सफल बैठक,
इंडिया गठबंधन ने कल, हालांकि ये पहले से प्लान थी, लेकिन दो बातें यहां हो गई, एक इलेक्टोरल बॉन्ड का घड़ा फूट गया और दूसरा चुनाव की घोषणा हो गई एक दिन पहले। दोनों चीजों के साथ इंडिया गठबंधन की इतनी बड़ी बैठक, मैं तो हम लोग लाइव थे 3 घंटे तक, उस वक्त मैंने काउंट किया था 15 नेताओं ने भाषण दिए थे, 15 नेताओं ने भाषण दिए थे, स्टालिन से लेकर कल्पना सोरेन, सभी लोग, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, कौन नहीं था वहां, और पूरे देश के लोग। मैं कह रहा हूं कि जब बेंगलोर में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी राजीव जी, तो एक आनंद फानंद में यहां भी बैठक हो गई थी जी। मोदी साहब, मैं कह रहा हूं, पांच एनडीए गठबंधन के लोगों को लेकर ही बैठक, कैसी पब्लिक मीटिंग करके दिखाते हैं, 5, ये तो 15 थे वहां पे, 15 से भी ज्यादा रहे होंगे, बहुत से लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला। समाजवादी पार्टी के वो आए थे वहां पे प्रतिनिधि, उनको बोलने का मौका नहीं मिला, तमाम और पार्टियों के लोग आए जिनको बोलने का मौका नहीं मिला जी। और इसमें राहुल गांधी का और बाकी लोगों का भी, कल्पना सोरेन कल ही मैंने कहा था कि एक नई डिस्कवरी है भारतीय राजनीति में, शानदार भाषण उनका, राहुल गांधी का शानदार भाषण, मल्लिकार्जुन खड़गे का हिंदी इंग्लिश मराठी में शानदार भाषण बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, ये दिखा रहा है कि किस तरीके से जब ये कैंपेन रोल आउट होगा इन नेताओं का, जब ये अलग अलग जाएंगे, तब ये कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं। और एक आखिरी बात इलेक्टोरल बॉन्ड पे, शक्ति वाला सवाल आपने पूछा, अरे शक्ति की क्या बात मोदी जी साहब कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों को सबको मालूम है राजीव जी कि जब हम लोग सांप्रदायिक शक्ति और विघटनकारी शक्ति की बात करते हैं तो किस संगठन का नाम आता है। अगर मैं किसी सड़क पर कह दूं कि भाई इस देश में विघटनकारी शक्तियों से मुकाबला करना है, इस देश को अगले चुनाव में सांप्रदायिक शक्तियों को हराना है, तो लोग किस संगठन के बारे में सोचेंगे। तो ये शक्ति की बात मोदी साहब, और मोदी साहब कह रहे हैं शक्तियों की वो पूजा करते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी शक्ति थी जिसकी चर्चा मोदी जी कर रहे हैं, कांग्रेस की विधवा भी शक्ति थी जिसकी मोदी जी चर्चा कर रहे हैं, तो किस शक्ति की बात कर रहे हैं। तो उनका देखिए, वो जब क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है उनके पास, तो कोई इशू नहीं है, तो इसलिए उनको परेशानी होना बड़ा लाजमी है। क्योंकि कल राहुल गांधी ने बहुत मार्के की बात की राजीव, उन्होंने मुखौटा कह दिया, और राहुल गांधी ने बहुत साफ साफ नहीं कहा, हम यहाँ बहुत साफ साफ कह सकते हैं कि कुछ उद्योगपतियों का मुखौटा है ये राहुल गांधी ने कह दिया इनको कि आप कुछ नहीं है, आपके पीछे जो लोग हैं उनसे लड़ाई हमारी। तो अब जाहिर सी बात है कि उस पर नाराजगी होना लाजमी है, और बिल्कुल ये जब स्टेट बैंक का तब ये आएंगे नंबर राजीव जी, ये बाढ़ लग जाएगी इस देश में घोटालों की, आप 1 घंटे के प्रोग्राम क्या 10 घंटे के प्रोग्राम में भी कवर नहीं कर पाएंगे। अभी भी तीन दिनों का इंतजार है, तीन दिनों का इंतजार, वो सब आने वाला है, सारे तार मिल जाएंगे, कब ईडी गई, कब ठेका मिला, कब सीबीआई गई, कब इनकम टैक्स। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।